आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज बड़ा ही सुंदर प्रसंग आपकी सेवा में लेकर के आए। हमारे यहाँ पर अनेक अनेक ग्रंथों में राजा मनु का वर्णन प्राप्त होता है। अब यह राजा मनु कोई एक या दो नहीं हुए हैं। शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार 6 मनु पहले हो चुके हैं, वर्तमान में 7वें मनु चल रहे हैं और शेष 7 मनु आगे भविष्य में होंगे। तो हम आपको बता दें कि पहले 6 मनु कौन कौन से हो चुके हैं। इनमें सर्वप्रथम जो मनु हुए हैं वो महाराज शंभु मनु हुए हैं, और दूसरे जो महाराजा मनु हुए हैं उनका नाम सौरोचिष्ठ, और जो तीसरे क्रम पर महाराज मनु हुए हैं उनका नाम शास्त्रों में और पुराणों में उत्तम बताया है। इसके पश्चात तामस नाम के मनु हुए हैं, फिर रेवत नाम के मनु महाराज का शासन हुआ है। इसके बाद में जो मनु महाराज आए हैं उनका नाम चाक्षुष मनु था। तो इस प्रकार से यह 6 मनु पहले हो चुके हैं, और वर्तमान में जिन मनु का शासन काल चल रहा है उनका नाम पुराणों में वैवस्वत बताया गया है। आगे जो मनु होंगे उनके नाम इस प्रकार से है कि 8वें क्रम पर सावर्णी नाम के मनु होंगे, और 9वें क्रम पर जो महाराज मनु होंगे उनका नाम धर्म होगा। 10वें क्रम पर सावर्णिक नाम के मनु का शासनकाल आएगा। इसी प्रकार से 11वें क्रम पर पिशंग नाम के मनु होंगे, और 12वें क्रम पर अपिशंगाभ नाम के मनु का शासनकाल होगा। इसी प्रकार से 13वें क्रम पर सबल नाम के मनु होंगे, वहीं 14वें और अंतिम मनु का नाम वर्णिक होगा। तो बंधुओं, यह जो है हमने जो 14 मनु भारतीय सनातन जीवन पद्धति के शास्त्रों में बताए गए हैं, ये 14 मनुओं के नाम आपको बताए हैं। जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम जी की।